इंदौर में उस वक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की सभी दूरियां खत्म हो गई जब चिमनबाग में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में सभी एक साथ पहुंचे। इस मौके पर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव खुद मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूं तो देश भर में कई दिवाली मिलन समारोह होते हैं, लेकिन मुंबई के बाद इंदौर में अधिकारियों और कर्मचारियों के दिवाली मिलन समारोह की भव्यता देखते ही बनती है। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी रविवार रात चिमनबाग मैदान पर आयोजित जिले के कर्मचारियों अधिकारियों के दीपावली मिलन समारोह में जिले के मुखिया कलेक्टर लोकेश जाटव, एडीएम दिनेश जैन से लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ नजर आए। आयोजन में अधिकारियों कर्मचारियों के बीच की दूरियां समाप्त हो गई और सब एक साथ भोजन और भजनों का आनंद लेते नजर आए। इस मौके पर कलेक्टर श्री जाटव ने कहा कि भले ही अधिकारी निर्देश देते हो, लेकिन क्रियान्वयन की जवाबदारी कर्मचारियों पर ही होती है, इसलिए हम सब एक व्यवस्था के अंग हैं और जितना अधिकारी का महत्व है उतना ही कर्मचारी का भी महत्व है। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ पद के नाम से ही मुझे जानते होंगे, लेकिन आप 6-7 महीने पहले का समय याद करिए जब आपको लगता होगा ऐसा कौन व्यक्ति जिसके कारण आपके मम्मी पापा या आपके पति पत्नी देर घर आ रहे हैं, तो वो मैं ही हूँ। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव मात्र एक उदाहरण था। हमारे शहर में, हमारे जिले में शासन प्रशासन या पूरी व्यवस्था के माध्यम से जो भी अच्छे काम होते हैं या हम जो भी डिलीवर कर पाते हैं, जो भी हमारे सेवाओं में हम गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, उसके पीछे दिमाग आंख मन कितना भी हो, लेकिन जो हाथ हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और आप लोग बैठे हुए हैं। और अधिकारी कितना भी अच्छा हो, कितना भी सक्षम हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, जब तक कि उसकी टीम अच्छी नहीं होगी, आउटपुट है, डिलीवरी है, वो हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। और आज मुझे यहाँ के गर्व की अनुभूति है कि मैं जिन व्यक्तियों के साथ काम करता हूँ, जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, ऐसे बहुत सारे जाने अनजाने चेहरे आज उनके परिवार के सदस्य भी हैं, यहाँ पे मंच पे खड़े हैं और देख सकते हैं कि हमारा जो पूरी एक टीम की भावना है। नहीं, मैंने जैसा अभी अपने उद्बोधन में भी कहा था कि टीम लीडर कितना भी अच्छा हो, टीम लीडर उतना ही अच्छा कर पाएगा जितनी अच्छी उनकी टीम हो। और अपनी टीम के सदस्यों से चर्चा करके, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करके जो अनुभूति हुई है बहुत अच्छी है, और इससे जो ऊर्जा मिली है, मुझे लगता है कि वो आने वाले हर प्रयास में हमारी जो इंदौर की जो पूरी टीम है वो और अपना आउटपुट और अच्छा देने का प्रयास करेगी। समारोह के आयोजक हरीश बोयत ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के एकजुटता के उद्देश्य से 17 सालों से ये आयोजन आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। ये जो शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का दीपावली मिलन समारोह है, यह इस आयोजन का 17वां वर्ष है और इस आयोजन की जो सोच है वो ये है कि जिस तरह से अन्य सामाजिक अपने सामाजिक परिचय सम्मेलन या दीपावली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह मनाते हैं, इस तरह से ये भी हमारा समाज, हमारा परिवार है, शासकीय अधिकारी कर्मचारी परिवार है हमारा, और ये इसी थीम को लेकर के हम विगत 17 वर्षों से दीपावली मिलन समारोह करते आ रहे हैं कि हम लोगों में एकजुटता बनी रहे, भाईचारा हम लोगों के बीच में बना रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूली शिक्षा विभाग के प्राचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।